हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल न्यू दिशा क्लासेस। न्यू दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जिनको आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको क्वेश्चन का आज का क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एलपीजी का दहन कौन सा परिवर्तन है? तो इसका आंसर है रासायनिक परिवर्तन। एलपीजी का दहन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन है, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है? तो ये कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो कपूर का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है? तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, कांच का टूटना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज फाड़ना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, कागज को फाड़ना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, कोयला का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? तो खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ को काटना कौन सा परिवर्तन है? तो पेड़ को काटना एक भौतिक परिवर्तन है, पेड़ को काटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास का टूटना कैसा परिवर्तन है? तो ग्लास का टूटना एक भौतिक परिवर्तन है, इसका आंसर है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस बुलबुले का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो जो गैस बुलबुले जो बनते हैं वो कौन सा परिवर्तन है, वो कौन से परिवर्तन में आते हैं? तो यह भौतिक परिवर्तन में आते हैं, गैस बुलबुले का बनना एक भौतिक परिवर्तन आता है, इसका सही आंसर भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? तो दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन, दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है? तो जो दूध खट्टा हो जाता है वो कौन सा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है दूध का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, इसका आंसर है रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो जब नमक पानी में घुल जाता है तो उसको कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, वह भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों से खाद बनाना कौन सा परिवर्तन है? जो पत्तियों से खाद बनाते हैं तो उसको कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है पत्तियों से खाद बनाना। ये भी साइंस के क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का नन एवं प्रबंधक कहलाता है एपिकल्चर। मधुमक्खियों का नन एवं प्रबंधन कहलाता है एपिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने का सहायक विटामिन कौन सा है? तो रक्त का जो थक्का जम जाता है वो विटामिन के की वजह से जम जाता है, रक्त का थक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एमोनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। कैल्शियम एमोनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल। कार की इकाई है जूल। कार की इकाई क्या होती है? जूल होती है कार की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रियोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, तो इसका सही आंसर है एक्वा रेजिया। जो अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है उसका नाम है एक्वा रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है किसको? जॉन डाल्टन को। किसको माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग होता है? ये कृंतक, कृंतक दांतों का प्रयोग होता है। जब सेब को दांतों से काटते हैं तब कृंतक दांतों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है? कौन से वे ऐसे दो रंग हैं जिनको मिश्रित करने से हरा रंग बनकर तैयार हो जाता है? तो इसका आंसर है नारंगी और बैंगनी। जब नारंगी और बैंगनी को मिक्स करते हैं तो हरा रंग बन जाता है। कौन सा रंग बन जाता है? हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का अभिप्राय है, तो आरएनए का अभिप्राय क्या है? तो इसका पूरा नेम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक का संचालन क्या कहलाता है? तो लोलक का संचालन दोलन गति कहलाता है दोस्तों, लोलक का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो ये 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो ये किसका? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं चिकित्सक रोगियों की जांच करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया संबंधित है ज्वर से, मलेरिया किससे संबंधित है? ज्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है उसको क्या कहते हैं? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टर के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है, इसको चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है क्लोरोफिल। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? जो पीतल होता है वो हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति से इसका रंग बदल जाता है, ये बदरंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? तो ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से सीधे बाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? कोई भी वस्तु है जो ठोस है और बाष्प अवस्था में इसका परिवर्तन हो रहा है, रूपांतरण, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको उदातीकरण कहा जाएगा। यदि कोई वस्तु ठोस से बाष्प में रूपांतरित करती है तो उदातीकरण इसको कहा जाएगा। तो इसका आंसर उदारीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है सल्फाइड परत। सल्फाइड की परत बनने से चांदी जो है वो बदरंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक होने की वजह है वायरस। चेचक किसकी वजह से होता है? चेचक वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो ओम है प्रतिरोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल। जो हमारा दिल होता है वो सबसे व्यस्त होता है, ये मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है, तो ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा है उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई है जीन। जो आनुवंशिकता की इकाई होती है वो क्या होती है? जीन। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो ये ग्रेगरी मेंडल ने की थी। आनुवंशिकता के नियम की खोज ग्रेगरी मेंडल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है
उत्तर है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। जो कोशिका झिल्ली है वो किस में पाई जाती है? पादप एवं पशु कोशिका दोनों के अंदर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। जो पानी में जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर किया जा सकता है तो किसके द्वारा? पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, तो ये महाधमनी। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो है महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, तो जो सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह है वो क्या है? गैनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो ये थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है, थायराइड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत। जो समतल दर्पण होता है उसकी नाभिक अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता है वो आयाम पे निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो कैफीन जो है वो चाय में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है कृमि। ये फाइलेरिया जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र होता है उत्तर अम्लीय। मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में इनका उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का इसमें प्रयोग किया जाता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? जो हमारी पलकें होती हैं उनके जो किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो उनके किनारे मीमोबियन ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ये कौन सी है? ग्रशिका एक ऐसी आहार नाल है जिसके भाग में एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ग्रशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो इसका सही आंसर है गैस्ट्रिन। तो सही आंसर गैस्ट्रिन हो जाएगा। तो कहां से निकलता है? आमाशय की दीवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? तो ये संयोजी ऊतक है रुधिर। रुधिर कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। इसका आंसर संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? कोशिका द्रव्य का। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सांप का जहर है प्रोटीन। सांप का जहर क्या होता है? प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसकी जनजाति सबसे बड़ी जातियां सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। जो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह कौन सा तत्व है? वह है ऑक्सीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी के से मापा जाता है? तो इसका आंसर है ब्रैकियल धमनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। जो लाफिंग गैस होती है N2O, उसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? कैलकुलस के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो इसका आंसर है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन कैलकुलस के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो ये जड़ का रूपांतरण है शकरकंद। शकरकंद एक जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो ये लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। जो एड्स के विषाणु होते हैं वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है तो एक ग्लोबिन। जो उंगलियों के जो नाखून होते हैं उनमें कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। जो पक्षी उड़ते हैं, पक्षी तो सभी उड़ते हैं, जो पक्षी जब उड़ते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो ब्रेलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो इसका आंसर है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ऐसा हार्मोन है जिसको आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। कौन सा हार्मोन्स कहते हैं दोस्तों? आपातकालीन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रामस्तिष्क में। जो हमारे जो बुद्धि का केंद्र होता है वो किस मस्तिष्क में होता है? प्रामस्तिष्क में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में हमने पढ़ा कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।